हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार मेहरा। आप देख रहे हैं राजकुमार मेहरा चैनल। तो दोस्तों, आज मैं ओबीसी आरक्षण के ऊपर रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। तो ओबीसी आरक्षण आपको भी पता है कि मध्य प्रदेश में एक अधिनियम पारित किया था जिसने 14% से 28% कर दिया था। लेकिन अब ये सुनवाई कोर्ट में हो रही थी, मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट है जबलपुर में, उधर हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट में भी इसी के रिगार्डिंग सुनवाई हो रही थी। तो हाई कोर्ट ने ये बोल दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट उसी मुद्दे पे सुनवाई कर रहा है तो हम इस मुद्दे पे सुनवाई नहीं करेंगे। तो इसलिए जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के रिगार्डिंग सुनवाई हो रही थी, तो उसने उसको खारिज कर दिया। यही मुद्दा कहाँ पे चल रहा था? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि वो भी उसी के अकॉर्डिंग था। वहाँ पे हाई कोर्ट ने ये खारिज कर दिया था कि ओबीसी जो भी आरक्षण है वो 50% पे ऊपर नहीं जाएगा किसी भी स्थिति में। इसलिए वहाँ पे याचिकाएं खारिज हो गई थी सभी की, जो कि सरकार ने लगाई थी। सरकार अब बोल रही कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी यही मामला चल रहा है। तो अभी एक नोटिफिकेशन मतलब कि लेटर लेके गए थे स्टूडेंट जो कि पीएससी के ऑफिस गए थे इंदौर में, तो उन्होंने रिटर्न रूप से मांगा है कि 1 महीने के अंदर जो भी रिजल्ट चाहिए तो वो आपको देना चाहिए। तो उन्होंने लिखित रूप से सील साइन करके दे दिया है। तो उसी की रिगार्डिंग अभी आपको भी पता है कि इंदौर में आंदोलन चल रहा है भर्तियों को प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रोटेस्ट के लिए। तो भर्तियों को जल्द से जल्द निराकरण होना चाहिए। मैं भी देख रहा हूँ कि आज तक पे भी आ गया, एबीपी न्यूज़ पे भी आ गया, एमपी आज तक पे भी आ गया। तो सरकार जल्द से जल्द उसमें आने वाली है, तो जल्द से जल्द एमपी पुलिस की मेरिट लिस्ट भी सॉर्ट आउट होगी और जो ओबीसी आरक्षण है वो 14% रहने वाला है मेरे हिसाब से। अगर आपको भी कुछ भी अपडेट मिलता है तो ओबीसी आरक्षण, मेरे हिसाब से ओबीसी आरक्षण 14% रहने वाला है और जल्दी एमपी पुलिस की मेरिट लिस्ट कन्फर्म में आने वाली है, क्योंकि अब बहुत समय हो गया है। क्योंकि जब भी हमने फॉर्म भरे थे जनवरी 2021 में फॉर्म भरा था और जनवरी 2022 में हमने पेपर दिया, फिर फिजिकल हुआ, फिर अभी तक मेरिट आई नहीं है। करीबन करीबन 19 महीने के ऊपर हो गए, 20 महीने के अकॉर्डिंग होने वाले हैं फॉर्म भरे से अभी तक, तो अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।